राहुल गांधी को पीएम के रूप में देखना चाहते हैं वर्सोवा के कांग्रेसी। तीन विधानसभा चुनाव जीतने के बाद पूरे देश में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के हौसले बुलंद हैं। अब कांग्रेस आपसी गुटबाजी को मिटाकर अपने युवा अध्यक्ष राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए पूरी ताकत के साथ मैदान में उतरने की तैयारी कर रही है। अपने इसी एजेंडे के साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एम ए काश्मीरी ने जोगेश्वरी पश्चिम के त्रिपाठी सदन में एक बैठक का आयोजन किया, जिसमें वर्सोवा विधानसभा के लगभग सभी नेता शामिल हुए। इस मीटिंग का मकसद ये था कि हमें 2019 के चुनाव में राहुल गांधी जी को हमारे देश का प्राइम मिनिस्टर बनाना है, और उसके लिए सारे कार्यकर्ताओं को जो कि आज इस कांग्रेस पार्टी से जो आज घरों में बैठे हैं या निकल नहीं पा रहे हैं कोई, या निराश होकर बैठे हैं बीजेपी की सरकार आने की वजह से, उनको सबको इस मतलब मेन स्ट्रीम में जोड़ना है और कांग्रेस का संगठन को मजबूत करना है। हर कार्यकर्ता भगवान हनुमान की तरह है, सिर्फ सही राम को उन्हें सही जानकारी देने की आवश्यकता है, उन्हें उनकी ताकत बताने की ज़रूरत है। इस देश को पिरोने का काम कांग्रेसियों ने किया है और वो कांग्रेसी कार्यकर्ता रहे हैं। कांग्रेसी कार्यकर्ता इस देश की रीढ़ की हड्डी है, उसे जगाना बहुत आवश्यक है। और ये आज की जो मीटिंग रखी थी ये इसी उद्देश्य से रखी गई थी कि कहीं ना कहीं हमें ये पता नहीं है, शायद हम भूल गए हैं, जैसे हम युवा पीढ़ी हैं, हमें नहीं पता था कि हमें करना क्या है। हम लोकल लोगों से मिल रहे हैं, हमारे पुराने कांग्रेसियों से मिल के ये सीख रहे थे कि हमें बताइए कि हमें करना क्या है, गली मोहल्लों में काम करना है, कैसे करना है, लोगों तक चीज़ों को कैसे पहुंचाना है। इस उद्देश्य से मीटिंग रखी थी, बहुत सार्थक मीटिंग थी। आने वाले 2019 के चुनाव इस बार जनता बनाम मोदी की कुनीतियाँ हैं, जिसकी लड़ाई, जनता की लड़ाई को लीड करेगी कांग्रेस की विचारधारा और कांग्रेस के कर्मठ कार्यकर्ता। जैसा कि राहुल जी ने कहा कि कांग्रेस का हर कार्यकर्ता बब्बर शेर है, तो ये बब्बर शेर अब जाग गया है और मोदी को खा जाएगा। किसी कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, पुराने कार्यकर्ता जो कहीं पर मायूस है, नाराज़ है लोग अपने पार्टी के कुछ लोगों से या जो भी है, या काम में मसरूफ़ है, तो अब वक्त आया है कि अब हम उनको उठाकर हम जमा करें, फिर से एक अच्छी मजबूत टीम लाए। जो भी बंदा आगे लड़ रहा है, लड़ने की मतलब चाहत रखता हो एमपी की या एमएलए की, हम उसके साथ सपोर्ट में खड़े रहें। बस और कोई उद्देश्य नहीं है हमारा, बस कांग्रेस को मजबूत करना है, पुराने लोगों को फिर से इकट्ठा करके। उम्मीदवार या उम्मीदवार हो तो कैसा हो कांग्रेस का? हम ये चाहते हैं उम्मीदवार हो कि जो हारने के बावजूद भी हमारे कार्यकर्ता के बीच में हो। पहली बात, जैसे गुरुदास कामत साहब ने हारने के बावजूद भी अपना कार्यालय 4 साल जम के चलाया, जो हम लोगों को जिंदा रखा और उत्तेजना भरा हम लोगों में, आज वो जोश पैदा करके गए हैं, इसलिए हम लोग कायम हैं। ऐसा नेता होना चाहिए और ऐसा एमएलए और एमपी भी हमारा होना चाहिए, हम यही चाहते हैं। और हमारे संगठन से आज जो हमारा विचार भावना एक मिला हुआ है, सभी से निवेदन करूंगा कि एक दूसरे के दुख में और सुख में पहले सब पहुंचने की कोशिश करें और ये साबित करें कि हमारा संगठन मजबूत है और आगे भी चलेगा। देखिए, गुटबाजी तो हर बार होती है, बट अगर इस बार अगर कांग्रेस को जिताना है और राहुल गांधी को प्राइम मिनिस्टर बनाना है तो गुटबाजी ख़त्म करनी होगी। और ऊपर हाईकमान जिसको भी टिकट दे, किसी को भी टिकट दे, अगर मुझे भी टिकट दे, मुझे मिलने वाली नहीं है, अगर पार्टी ने सपोज टू भी मुझे पसंद किया और मेरा काम देके अगर मुझे टिकट दे दिया, तो किसी को गुटबाजी नहीं करना चाहिए, सबको कांग्रेस के लिए काम करना चाहिए। और पार्टी अगर चाहे एमपी हो या एमएलए हो, वो सोच समझ के ही टिकट देती है, वो भी ऑब्जर्व करते हैं नीचे से लेके ऊपर तक, उन्होंने अपने आदमी यहाँ छोड़ रखे हैं, हम लोगों को नहीं पता कि वो कौन है, वो सारी रिपोर्ट भेज रहे हैं कि वो क्या काम कर रहे हैं, वो जीतने वाले हैं या हारने वाले हैं, उनको सब पता है, सारी रिपोर्टिंग वहाँ पहुँच रही है। तो मेरा कहना है कि गुटबाजी इस बार तो नहीं होनी चाहिए, नहीं तो वही हाल होगा जो इस बैठक में। बेसिक कांग्रेस के अलावा उसके सभी फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के पदाधिकारी शामिल हुए, जिसमें युवा कांग्रेस, सेवा दल, महिला कांग्रेस और माइनॉरिटी सेल मुख्य रूप से शामिल थे। आबिद नकवी, प्रेस 9 न्यूज़, मुंबई।